ये पहले फोन्स हैं जो कि ANC के साथ आते हैं एंड आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं आज को कंपैरिजन वीडियो के साथ आप लोग ने बोला Realme के Buds 2 के साथ कंपेयर कीजिए। मेरे पास Realme तो नहीं है, बाकी OnePlus Note के साथ मैं कंपेयर कर देता हूं एंड OnePlus और Realme का मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन किया है, दोनों के दोनों ईयरफोन्स ऑलमोस्ट सेम है। नाउ प्राइस फैक्टर, ये आपको 1000 रुपीज में ANC देते हैं, यहाँ पे आपको 800 रुपए पे करना पड़ेंगे OnePlus के नोट ईयरफोन्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ट, तो बोर्ड के बेस हेड जो है ना वो आपको नॉर्मल सी बिल्ट क्वालिटी देते हैं, आपको सब जगह नॉर्मल वायरिंग मिल जाएगी, कोई भी टेंगल फ्री नहीं है या बेल्टेड केबल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है एंड जो ईयरबड्स हैं वो आपको ईयर फैन के साथ देखने को मिलते हैं, कोई भी मैग्नेटिक अटैचमेंट नहीं है। बाकी जो बटन कंट्रोल दिया गया वहाँ पे आपको ANC के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, ANC एम्बेड मोड में आप स्विच कर सकते हैं। ओवरऑल जो बटन की फील है वो यहाँ पे काफी अच्छी है, हालांकि एयर फिटिंग मेरे को उतनी पसंद नहीं आई। वन प्लस एंड रियलमी वाले जो ईयरफोन्स हैं वो आपको मैग्नेटिक सपोर्ट देते हैं, बट वो कोई काम का नहीं, कुछ उससे होगा नहीं। देन जो बटन कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं वो प्रीमियम क्वालिटी वाले नहीं है, थोड़ा सा चीप लगता है एंड ये ऑलमोस्ट निकल गया है। टाइप सी की जगह पे आपको मिलेगा वही ओल्ड 3.5 mm जैक, बट जो वायरिंग है यहाँ पे आपको हर जगह से टेंगल फ्री मिलती है। बटन के नीचे वाला सेक्शन आपको बियर्डेड केबल मिलेगा एंड ऊपर आपको टेंगल फ्री सेक्शन मिल जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी वन प्लस एंड रियलमी बेटर है कंपेयरिंग विद बोथ एंड सेम गोज विद ईयर फिटिंग। तो इनका ईयर फिटिंग एंड ईयर आइसोलेशन भी आपको टॉप नोच मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत ANC वाला काम कर देता है। यहाँ पे आपको फिजिकल आइसोलेशन ही इतना मिलता है, बेसिक लेवल ऑफ ANC की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। जो कि बोट के पास एडवांटेज है 25 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, बैकग्राउंड नॉइस को ये अप टू 50% तक कम कर सकता है, ये एक एडवांटेज है। बट क्या एडवांटेज म्यूजिक में भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि OnePlus से बेटर हैं। OnePlus में 9.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, जब मैंने इनको टेस्ट किया सेम म्यूजिक पे OnePlus बेटर क्लैरिटी के साथ आपको बेटर बेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली एक ह्यूज डिफरेंस था एंड वो डिफरेंस OnePlus के फेवर में था। लाउडनेस, ट्रबल, बेस तीनों ही चीज यहाँ पे आपको वे बेटर मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोट वाले ईयरफोन्स खराब है, वो भी आपको अच्छे ईयरफोन्स देखने मिलते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे 6-7 हज़ार के वायरलेस ईयरफोन्स से, उनसे बेटर आपको ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको 10-12 हज़ार के जो वायरलेस ईयरबड्स में साउंड मिलती है वो ये डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इनकी माइक्रोफोन क्वालिटी। तो वायर्ड ईयरफोन्स हैं तो ऑब्वियसली भाई जो माइक है वो क्लियर होने वाला है, आपको और कोई दिक्कत नहीं। जितना जितना माइक को माउथ के पास रखेंगे उतना ही बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने मिलते हैं, कुछ ऐसा ही हमारा कूलिंग रिजल्ट रहा है। दोनों ईयरफोन्स आपको बेहतर माइक्रोफोन क्वालिटी डिलीवर करते हैं। आप गेमिंग जिसको करनी है भाई, यहाँ पे आपको 0 latency मिल जाएगी, आपको 45 ms वगैरह कुछ नहीं मिलता, 0 ms मिलता है, बिकॉज ये वायर्ड ईयरफोन्स है एंड ऑब्वियसली यार क्लैरिटी के साथ भी काफी अच्छा काम किया है ब्रांड ने। दोनों ही ईयरफोन्स को आप गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ पॉइंट आता है भाई डिबेट का कि भाई कौन से ईयरफोन्स कंपैटिबल है। तो बोट वाले जो ईयरफोन्स है ना टाइप सी के साथ आते हैं, जो भी फोन आपका टाइप सी सपोर्ट करता है चाहे वो चीप फोन हो चाहे वो आपका आईफोन हो, सब पे ये कंपैटिबल है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके फोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं। बट रियलमी ने OnePlus के साथ जो मेजर पंगा ना वो ये है, 3.5 mm जैक इन्होंने रखा है जो साउंड तो आपको बेटर देता है बट कंपैटिबिलिटी आपको यूनिवर्सल नहीं मिलती। आप इसको आईफोन के साथ यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फोन के साथ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने 3.5 mm जैक हटा ही दिया है। तो अगर आप एक कनेक्टर परचेज करने चाहेंगे तो वो भी आपको अच्छा खासा कॉस्ट करेगा, 200-300-500 रुपए डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। तो आपको वो अमाउंट भी स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपके फोन में 3.5 mm जैक नहीं है। तो ये जो मेजर एडवांटेज है ये बोट के पास है। तो बोट में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी मिलती है, ANC का सपोर्ट मिलता है एंड बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे OnePlus एंड Realme विनर है। तो आप अपने फोन के अकॉर्डिंग देख लीजिए भाई कौन सा डिवाइस आपके पास है एंड कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज करने जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।